हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 24 को। इस पाठ का नाम है बच्चों महर्षि परशुराम। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न क्रमांक एक है, वो है महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है? तो ये है शस्त्र बल की। प्रश्न क्रमांक दो है, महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जम समूहों को क्यों संगठित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक उत्थान के लिए। प्रश्न क्रमांक तीन है, परशु का अर्थ है, तो परशु का अर्थ होता है बच्चों कुठार। प्रश्न क्रमांक चार है, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा? तो ये बनेगा ईए लगाकर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पाँच है, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। प्रश्न क्रमांक छः है, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम लिखिए। तो इनके पिता का नाम था महर्षि जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका, पितामह का नाम था महर्षि ऋचिक और पितामह का था महर्षि भृगु। प्रश्न क्रमांक सात है, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के छठवें अवतार के रूप में माना जाता है। प्रश्न क्रमांक आठ है, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय के प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर होगा महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं। प्रश्न क्रमांक नौ है बच्चों, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? तो इसका उत्तर है, भृगुकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भार्गव परशुराम कहा जाने लगा। प्रश्न क्रमांक दस है, परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, परशुराम जी ने अपना दिव्य शस्त्र षडार्ग नामक धनुष, जो विष्णु का धनुष था, उसे श्री राम के हाथों में देकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 है, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर होगा, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया गया था। प्रश्न क्रमांक 12 है, महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, शस्त्रों शास्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत, भीष्म, द्रोण, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि शास्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। प्रश्न क्रमांक 13 है, महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान के लिए दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवास उपेक्षित जन समूहों को संगठित किया और उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।